हाँ बस पैक करती हूँ 2 मिनट में। हाय क्वींस, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे संडे मॉर्निंग। आज भाई संडे सुबह सुबह ही कितने बजे? 6 बजे, और मेरा खाना बन गया, सब कुछ हो गया आज। आज एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ, आपको तो पता ही है कि वो कितनी पेशेंट है, तो उन लोगों ने सबने तैयार होके सुबह सुबह एक दूसरे दूर देश डॉक्टर के पास जाना था, तो हम सबने मिलके सुबह सुबह ही सारा नाश्ता खाना सब बना लिया। आज मेरा संडे मेरा है। सुबह सुबह फ्री हो गई मैं, तभी तो अपनी क्वीन से बात करने का सोचा मैंने, जल्दी जल्दी तुरंत तुरंत। क्वींस, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, भर भर के कंप्लेन्स आ रही हैं क्वींस की, कि डॉक्टर शिवांगी आप कहते हो कि माफ करो, आप कहते हो कि छोड़ दो, जाने दो, दूसरे में खुद को देखो, आप कहते हो कि हम सब एक ही एनर्जी फील्ड के हैं, आप कहते हो कि क्षमा दान सबसे बड़ा दान है, फॉरगिवनेस के बिना आपकी लाइफ में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, आपके जीवन का, आपका जीवन बहुत फीका हो जाएगा, एक बोझिल बोझ की तरह, एक बहुत बड़े वेट की तरह जो कंधों पे लेके तुम चले जा रहे हो, घसीटे जा रहे हो, ऐसा हो जाएगा। लेकिन माफ करें तो करें कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले भी मैंने क्वीन इन द मेकिंग वीडियो सीरीज के अंतर्गत आप लोगों को अलग अलग टेक्निक्स बताए हैं लोगों को माफ करने के, खुद को माफ करने के। आज लेकिन मैं आप लोगों को एक कुछ नया चमत्कारी मेथड बताती हूं, जिसे यूज करके हम ना कि केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी हर तरीके के पश्चाताप से मुक्त कर सकते हैं, हर तरीके के गिल्ट से खोल सकते हैं, ना कि सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी। क्वींस, कुछ नहीं, बस यहां से, जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि सारा खेल फोकस का है, ध्यान देने का है, तो हम यहां से अपने ध्यान की सुई को थोड़ा सा घुमाएंगे, हल्का सा घुमाएंगे, और मेरे साथ एक प्रतिक्रिया करेंगे, एक रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब क्या है कि वो जो लेडी जिसने आपकी इंसल्ट की थी पिछली बार जब आप किटी पार्टी पे गई थी, या फिर वो जो आपका बॉस है, वो जो हर बात पे आपको जली कटी सुनाता है, या फिर हमारी सास, आपकी जो सास है जो हर रोज ये एक्सपेक्ट करती हैं कि तुम ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, बच्चे भी संभालो, बाहर का भी संभालो, है ना? या फिर वो तुम्हारी फ्रेंड नौटंकी जो बनती है कि बहुत फ्रेंड है लेकिन पीछे से बैक बाइटिंग कर रही है तुम्हारी, पूरे सर्कल में तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रही है, इन सभी को, इन सभी में से जो सबसे ज्यादा तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है अभी फिलहाल, प्राणी सबसे ज्यादा जो डिस्टर्बड कर रहा है, मान लो तुम्हारी सास या तुम्हारी ननद, क्योंकि जो जितना क्लोज होता है, हमारे रिश्तेदार होते हैं जो जितना ज्यादा हमसे संपर्क में रहते हैं, वो हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। फ्रेंड्स को तो चलो एक बार सोच भी लेके हम लोग अवॉइड कर दें, वहां जाना अवॉइड कर दें, लेकिन फैमिली मेंबर्स को तो हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, उनके साथ तो हमें रोज वैसा ही कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो हम अपने किसी फैमिली मेंबर को उठाते हैं जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करे हुए है। अब आंख बंद करके हम उस फैमिली मेंबर को इमेजिन करते हैं कि वो हमारा लंगोटिया यार रहा हुआ है, कभी पहले का लंगोटिया यार, मेरी चड्डी बड़ी, मेरी बचपन की दोस्त, और उसे जैसे मैंने पहले कभी, मैं ऐसे इमेजिन कर रही हूं आंख बंद करके, मैंने उसे पहले कभी कान में जाके कहा था, यार मेरी ना पेशेंस बड़ी कम है, तू मेरी दोस्त है, तू मेरी चड्डी बड़ी है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू ही है जो मेरे लिए ना विलन का अवतार ले सकती है, तू ही है जो मुझे सबक सिखाने के लिए ना फिलहाल के लिए विलन के कॉस्ट्यूम में आ सकती है, तो ऐसा कर, तू ना विलन का कॉस्ट्यूम पहन, क्योंकि तू जब तक मुझे से झंझोड़ेगी नहीं ना, मेरे अंदर पेशेंस नहीं आएगी यार। वही चड्डी बड्डी तो है ये जो तुम्हें हर बात पे इंसल्ट करता है,
जो तुम्हें हर बात पे खरी खोटी सुनाता है, जो चाहता है कि तुम एक बारी में बहुत सारे काम करना सीखो, यही तो है वो चड्डी बड्डी। हाँ, इसे तुम्हें ना पहले कभी पहले तुमने उसके कान में कहा हुआ है कि यार मेरे अंदर ना धैर्य नहीं है, मेरे अंदर ना सहनशीलता की कमी है, ये सहनशीलता ना मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, मुझे स्पिरिचुअल जर्नी पर, अपनी लाइफ की जर्नी पर इंजॉय करने से रोक रही है। मैं जगह जगह चिढ़ जाती हूं, लेकिन जब तू इस अवतार में आके मेरी सास होते हुए भी विलन का वेश धारण करके मुझे ये चीजें सिखाएगी ना, तो मुझे समझ आ जाए। अब दूसरे नंबर पर मैं उस इंसान के बारे में वो सारी बातें लिखती हूं जो उसके अंदर जबरदस्ती तरीके से मुझे अच्छी देखनी पड़ रही है, जो मुझे याद दिलाएंगे कि वो मेरा चड्डी बड़ी है, जो मुझे याद दिलाएंगे कि हाँ वो भी मेरा दोस्त हो सकता था पहले कभी, और अभी भी मैं उसको उस विलन के कॉस्ट्यूम से बाहर निकाल कर देख सकती हूं, उस विलन के अवतार से कुछ अलग उसमें देख सकती हूं। तो मैं अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल निकालती हूं, पेन पकड़ती हूं और दे धनादन लिखना शुरू कर देती हूं कि थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे इतना अच्छा एक अपना स्वरूप दिया जिसके अंदर ये बातें अच्छी हैं, कि हाँ वो चाहे जैसी भी हो वो मेरे बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं, वो चाहे जैसी भी हो वो जब खाना पकाती हैं तो बड़े प्यार से पकाती हैं, आपकी सास, आपकी ननद कोई भी हो सकता है, वो चाहे जैसे भी हो मेरे बॉस लेकिन टाइम आने पे सैलरी हमेशा मुझे ध्यान से पकड़ाते हैं, चाहे जैसे भी हो लेकिन सुपर बॉस के सामने मेरी कभी इंसल्ट नहीं करते, कुछ भी चाहे जैसे भी हो वो एक अच्छे फादर जरूर हैं, कोई भी उनकी ऐसी क्वालिटी जो आपको ये यकीन दिलाए कि हाँ वो इंसान इंसान है, एक सुंदर अच्छा सुलझा हुआ इंसान जो केवल आपको कुछ बातें याद दिलाने के लिए, कुछ सबक सिखाने के लिए, लाइफ के कुछ लेसन्स देने के लिए इस विलन वेश में आया है। ये हो गई ग्रैटिट्यूड वाली बातें, और उनके व्यक्तित्व में कोई ना कोई ऐसी चीजें निकाल लेना जो अच्छी हो ही हो जबरदस्ती। वो एक अच्छे नेबर हैं, क्योंकि मैंने एक बार सुना था कि उन्होंने अपने पड़ोसी की हेल्प की थी। वो जैसी भी हो एक अच्छी माँ है, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा मुझे दिया जो काफी हद तक एक सुलझा हुआ इंसान है। वो जैसी भी हो एक अच्छी बहन है, वगैरह वगैरह। कुछ भी जब आप सोचने बैठोगे, ढूंढने बैठोगे, ऐसा एक भी इंसान धरती पे नहीं है जिसके अंदर एक भी अच्छी बात ना हो। मुझे पता है मेरी क्वींस इस टाइम सोच रही हैं, अरे डॉक्टर शिवांगी आपको क्या बताएं, ऐसे कुछ चुनिंदा पीसेस हैं जो हमारी लाइफ में है। रिलैक्स, अब दूसरे वाले स्टेप पर आते हैं। दूसरे स्टेप में मैं उसी ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिख देती हूं कि मुझे इस पर्टिकुलर परिस्थिति से, इंसिडेंट से, इस इंसान के कॉन्टैक्ट में आने से क्या क्या सीखने को मिला, ताकि मेरा मेरे मन में जो एक ग्रैटिट्यूड है उस इंसान के लिए, एक थैंकफुलनेस, एक धन्यवाद देने की फीलिंग है, वो बढ़ जाए, और नफरत, कंप्लेन, ये सोचना कि वो मुझसे अलग है और हमेशा मुझे हार्म करने के लिए बैठा हुआ है, ये फीलिंग्स अपने आप कम हो जाए, तो धीरे धीरे उस इंसान का जो व्यवहार है हमारे साथ वो भी बदलने लगता है। तो मैं लिखना शुरू करती हूं कि अगर ये इंसिडेंट मेरी लाइफ में ना हुआ होता ना, तो मुझे लोगों को परखने के लिए ये चीजें समझ में ना आती। मैं शायद पहले ये नहीं समझ पाती थी कि किसी ने अगर मुझे पार्टी पे इनवाइट किया है तो, और मैं नहीं जा पा रही, तो मेरे लिए कितना जरूरी है उस इंसान को फोन करके सॉरी बोलना या इन्फॉर्म करना कि मैं इस रीजन की वजह से आपकी पार्टी पे नहीं आ पा रही हूं, आप प्लीज माइंड मत करना। क्योंकि जब मेरी पार्टी हुई, जब मैंने थ्रो करी पार्टी, और सामने से उस फ्रेंड को जिसको मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो तो आएगी ही आएगी, उसने आई तो नहीं लेकिन ऊपर से फोन भी नहीं किया, उसने मुझे इन्फॉर्म करना भी ठीक नहीं समझा, और आज कितने दिन हो चले हैं उसने मुझे एक बार कॉन्ग्रेट्स भी नहीं किया फुट्टे मुंह से। तो मुझे ये लेसन समझ आया कि मुझे इस मामले में कभी भी कोई देरी नहीं बरतनी है, कोई ढील नहीं बरतनी है।
इस तरह के न जाने कितने हजारों करोड़ों लेसन्स मिलते हैं हमें क्वींस आए दिन, ऐसे चड़ी बड़ी यारों से, ऐसे हमारे बेस्ट फ्रेंड्स से, ऐसे हमारे वेल विशर्स से, जिन्हें हमने ही कभी पहले कहा था कि तुम विलन के भेष में आना। और जो जितना बढ़िया एक्टर होता है ना, जो जितनी अच्छे से एक्टिंग करता है, उसे उतने डिफिकल्ट रोल्स मिलते हैं, वो तुम्हारी लाइफ में उतनी ही डिफिकल्ट परिस्थितियां बनाता है। आंख बंद करके मैं सोचती हूं कि उसने मुझे क्या सबक दिया, वो सबक लिखती हूं, उसकी अच्छी अच्छी बातें लिखती हूं, उसे धन्यवाद करती हूं मन से, क्योंकि आज जो भी मैं हूं वो मेरे वेल विशर्स ने तो मुझे बनाया ही है क्वींस। चलो अपना एक पर्सनल एग्जाम्पल, क्वीन इन द मेकिंग पेज पे आप लोग सब कितनी अच्छी बातें लिखते हो, कितना अप्रिशिएट करते हो, मुझे इनकरेज करते हो, मोटिवेट करते हो, लेकिन 100 में से कोई 2 या 3 क्वींस भी ऐसी होती हैं जो मुझे कुछ कड़वी बात कह जाती हैं, जो मुझे सिखा जाती हैं कि नहीं, यहां पे मैं गलत जा रही हूं, चाहे कड़वाहट के साथ, चाहे मुझे शुरू शुरू में बहुत बुरा भी लगता था कि अरे मैं तो इतने मन से तुम्हारे साथ कुछ शेयर कर रही हूं और तुमने अभी भी इसमें भी गलती निकाल दी। लेकिन फिर जब मुझे इन सब बातों की समझ आई तो धीरे धीरे मुझे पता लगा कि नहीं, इम्प्रोवाइजेशन या इम्प्रूवमेंट या जो बेहतरीन होते जा रहे हैं हम पल पल, हर पल, वो अपने वेल विशर्स के साथ साथ अपने क्रिटिसाइजर्स की वजह से होते हैं। हम ऐसे लोग जो बड़ी बारीकी से हमारे काम को देखकर उसमें से गलतियां निकालकर हमें देते हैं, वो हमारे सबसे सुंदर दोस्त होते हैं जो विलन के भेष में हमारे सामने आते हैं। आंख बंद करके एंड ऑफ द डे पे अपने उन्हीं चड्डी बडीज के साथ, अरे ठाके मारते हुए, तूने आज ऐसे मुझे सबक सिखाया, चाय की चुस्कियां मारा करो। विचारों में, अपने विचारों में, अपनी कल्पनाओं में उन्हें जोर से झप्पे दिया करो, थैंक्स यार तूने आज मुझे ये लेसन दे दिया, थैंक्स। क्या यार तू मेरे लिए विलन बन रहा है, मेरी गलत भावनाओं की परवाह किए बिना तूने विलन बन के मुझे ये लेसन दिया, वाह थैंक यू। तू ना हो तो मेरी लाइफ कैसे आगे चले बता, तू ना हो तो मैं बेहतर कैसे बनूं, तू ना हो तो मुझे चैलेंज कौन करता, मेरी क्षमताओं को परख के मुझे चैलेंज कौन करता कि देख मैं देखती हूं तू कैसे आगे बढ़ती है, कौन मुझे चैलेंज करता और कैसे मेरे अंदर का खून डबल स्पीड से दौड़ता और मैं ये काम कर जाती, तू ना होता तो मैं कुछ ना कर पाती यार, थैंक्स, दे ताली। और ऐसे एंड ऑफ द डे पे उसके साथ चाय की चुस्कियां मारा करो, हंसी हंसी में बस बात उड़ाया करो, और जो लेसन मिला है उसे ध्यान से जज्ब किया करो, एब्जॉर्ब किया करो, अपनी लाइफ को में इनकॉर्पोरेट कर लिया करो। इससे आप उस इंसान को माफ कर पाएंगे, वो इंसान जिस कारण से आपके जीवन में आया है वो कारण भी फलीभूत हो पाएगा, सब कुछ टुगेदर इन प्लेस हो जाएगा, और आप माफी क्या, आप तो बात को हवा में उड़ाकर क्वीन की तरह रिलैक्स कर पाएंगी, अपने किंगडम को क्वीन की तरह मेंटेन कर पाएंगी, और आपकी क्वीन किंगडम की शांति कोई भंग नहीं कर पाएगा। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ऐसी ही कुछ बातें जानने के लिए 6 मई को हम सब मिलेंगे क्वीन इन द मेकिंग की पहली वर्कशॉप पे दिल्ली NCR की। हाँ आना है सबने, रजिस्टर करो तुरंत तुरंत इस लिंक पर और अपनी इंस्पायरिंग स्टोरीज लिख भेजो मुझे जल्दी से क्वींस, मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूं आप सभी से मिलने के लिए। बाय।